नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक ही लक्ष्य में। आज मैं फिर एक और बार आपके लिए एक और नई और खास जानकारी के साथ एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक का नाम आप सभी ने सुना होगा, आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि स्थापना इसकी कब हुई और कैसे इस बैंक को जो है इंडिया के अंदर बहुत बड़ा पैमाना मिला। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो साल 2018-6 में इस बैंक की स्थापना बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से हुई थी, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया। तो 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास एक साथ मिल गए, जिसके बाद इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। आजाद भारत में 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। क्या इससे पहले आपको ये बात पता थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर नहीं पता थी तो इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और नई लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।